हेलो स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय अक्षेश श्रोमी आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एडवर्ब, इट्स काइंड्स एंड यूजेस। जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है, अगर हम डेफिनेशन के अनुसार बात करें तो एडवर्ब इज अ वर्ड। फर्स्ट, इट टेल्स अबाउट अ वर्ब। सेकेंड, इट टेल्स अबाउट एन एडजेक्टिव। थर्ड, इट टेल्स अबाउट an adverb. Fourth, it tells about preposition. Fifth, it tells about conjunction. And sixth, it tells about sentence. यानी एक ऐसा शब्द जो verb, adjective, adverb, preposition, conjunction या sentence के बारे में कुछ बताता हो, उसे हम कहते हैं adverb। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक sentence के सामने उसका example दिया है। जैसे जब ये वर्ब के बारे में बताता है, देखिए वाक्य दिया है, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ हार्ड जो है वर्क के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह सेकंड में एडजेक्टिव के लिए, जैसे ही इज वेरी गुड। थर्ड में एडवर्ब के लिए यूज किया गया, जैसे शी वर्क्स वेरी हार्ड। इसमें जो हार्ड वर्ड है उसके लिए वेरी का यूज किया गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो आमतौर पर किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। एडवर्ब तीन प्रकार की होती है, एक सिंपल एडवर्ब, दूसरी इंटरोगेटिव एडवर्ब और तीसरी रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरी टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, चौथी एडवर्ब ऑफ मैनर, पांचवी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी ये प्रकार सिंपल एडवर्ब की होती है। इसी प्रकार दूसरी है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज फॉर क्वेश्चन आस्किंग। ये सवाल पूछने के लिए वाक्य में यूज की जाती है। इनके लिए आमतौर पर जो शब्द एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं वो हैं व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी एटसेट्रा। यानी एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम। इसमें जो व्हाट का प्रयोग किया गया वो एक एडवर्ब है। वेयर आर यू गोइंग, इसमें वेयर एक एडवर्ब है। व्हेन डिड शी कम, इसमें व्हेन टाइम रेफरेंस देती हुई एक एडवर्ब है। एंड हाउ आर यू, इसमें हाउ वर्ड एक मैनर को बता रहा है। इसी तरह से तीसरी टाइप रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के अंदर भी कुछ विशेष चुनिंदा शब्द यूज किए जाते हैं। दिस एडवर्ब रेफर्स टू एंटीसीडेंट और एक्सप्रेसेस रिलेशन विद एंटीसीडेंट। यानी बच्चों, एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है जो वर्ड पहले यूज किया जाता है। If antecedent is not given, then it is not a relative adverb. It can be interrogative adverb. Like you say, in example, I know where she lives. इस वाक्य में जो where का प्रयोग हुआ है वो एक relative adverb के रूप में यूज हुआ है। अगर इस वाक्य में पहला भाग I know ना होता तो ये वाक्य interrogative बन जाता, where she lives. इसी तरह सेकेंड में I know What you need, इसमें what का इस्तेमाल एज अ रिलेटिव एडवर्ब किया गया है। थर्ड में I forgot when he came, इसमें when को टाइम रेफरेंस देते हुए बताया गया है। और फोर्थ एग्जाम्पल में we found what he lost, इसमें what का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब किया गया है। और नीचे बच्चों आपको एक लाइन लिखी गई है, एंटीसीडेंट मीन्स which comes before। यानी सब्जेक्ट से पहले जो हमने सेंटेंस के बीच में वेयर, व्हाट, व्हेन इत्यादि यूज किए हैं, ये सभी एंटीसीडेंट्स हैं। इसी प्रकार से अब हम विस्तार से बात करेंगे हर प्रकार की एडवर्ब की। जैसे कि हमने आपको बताया, एडवर्ब तीन प्रकार की है, एक सिंपल एडवर्ब, एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब और एक रिलेटिव एडवर्ब। तो अब हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब की पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी ऐसे शब्द जो समय को रेफर करते हैं या समय की तरफ इशारा करते हैं, उन सभी शब्दों को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे वर्ड which tells about the time of action, यानी action हुआ तो हुआ कब, उसके बारे में जो हमें बताएं वो सभी शब्द कहलाते हैं adverb of time. Yesterday, today, tomorrow, last night, last day, last week, last month, next month, late, lately, now, just now, just ago, already, early, then, soon, ago, at present, presently, shortly, recently, immediately, instantly, daily, before, since. ये सभी शब्द हमें समय के बारे में इशारा करते हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, आई मेट हिम यस्टरडे. सिमिलरली शी कम्स हियर डेली. तो यहाँ यस्टरडे और डेली वर्ड टाइम की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये टाइम एडवर्ब कहलाती है. इसी प्रकार से सेकेंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसे शब्द जो स्थान की तरफ इशारा करें, ऑल दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस विच टेल्स अबाउट द प्लेस ऑफ एक्शन. लाइक यू से हियर, देयर, हिदर, दाइदर, अप, डाउन, अबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, इनडोर्स, आउटडोर्स, विद इन, इन, आउट, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, एटसेट्रा. यानी ये सारे शब्द हमें समय की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसा कि नीचे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज एयर एवरीवेयर, शी लुक्ड अप, द हॉर्सेस गैलॉप्ड अवे. यहाँ पर एवरीवेयर, अप एंड अवे जो तीन वर्ड यूज किए गए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं. इसी प्रकार से थर्ड टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, यानी कौन सा एक्शन, कौन सा कार्य कितनी बार दोहराया गया, कितनी बार रिपीट किया गया, वो सभी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर कहा जाता है. यानी वर्ड विच टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज रिपीटेड. इसके लिए जो वर्ड यूज किए गए जैसे once, twice, thrice, again, seldom, away, never, often, scarcely, hardly, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly. तो इस प्रकार से जो शब्द यूज किए गए वो सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर हैं. एग्जाम्पल देखिए, ओल्ड पीपल सेल्डम डांस. इसमें सेल्डम का यूज हुआ. एवरीवन ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, इसमें ऑफन का यूज हुआ. शी इज नॉट सीन हियर वंस, इसमें वंस का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब किया गया. इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ड विच टेल्स अबाउट हाउ द एक्शन इज डन, यानी कार्य करने का तरीका दर्शाने वाले शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. स्टाइल ऑफ एक्शन, काम हुआ तो हुआ कैसे, कौन सा तरीका अपनाया गया, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे इजीली, स्लोली, ऑनेस्टली, ब्रेवली, फास्ट, ब्यूटीफुली, केयरफुली, फ्लुएंटली, वीकली, क्रेजियसली, हार्ड, फुलिशली, क्लियरली, lovingly, faithfully, seriously, agreeably, certainly, well, firmly, conveniently, etc. एग्जाम्पल देखिए, the horse ran fast. यहाँ पर fast word ran के लिए आया. Soldiers fought bravely. Bravely word fought के लिए आया. And she laughed loudly. लाउडली वर्ड लाफ के लिए यूज किया गया, जो मैनर बता रहे हैं किस प्रकार से हुआ. सिमिलरली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नगेशन, ऐसे शब्द जो किसी चीज की निश्चितता और नहीं के बारे में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अफर्मेशन एंड नगेशन वाली एडवर्ब कहा जाता है. वर्ड दैट सजेस्ट अफर्मेशन और negation, such as yes, not, never, surely, certainly, indeed, by no means, not at all, no, probably, etc. ऐसे वर्ड जो अफर्मेशन और नेगेशन के लिए यूज किए गए, जैसे he did not come after all, surely he is right, she is certainly alive, I do not know her, probably he will go, I haven't learned the lesson. इन सभी एग्जाम्पल्स में, जैसे पहले में आफ्टर ऑल, दूसरे में श्योरली, तीसरे में सर्टनली, चौथे में डू नॉट, पांचवे में प्रोबेबली और छठे में हैवंट, यानी अफर्मेशन और नेगेशन वाले वर्ड्स यूज किए गए जो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन हैं। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी क्वांटिटी, कौन सा कार्य कितनी मात्रा में हुआ उसको दर्शाने वाले वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। वर्ड दैट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन means how much or more or less the action is done, such as too, very, quite, enough, rather, entirely, fairly, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly, partially, far. इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये सब डिग्री ऑफ क्वांटिटी, डिग्री और क्वांटिटी को शो करती है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही वॉज टू केयरलेस, शी वॉज वेरी टायर्ड, सुनील इज एंटायरली डेफ, शी इज रादर बिजी, शोल्डर्स आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, ही इज क्वाइट रॉन्ग। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर टू, वेरी, एंटायरली, रादर, फुल्ली, क्वाइट जैसे वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के फॉर्म में यूज किए गए। इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ रीजन, वर्ड विच एक्सप्रेसेस द रीजन व्हाई, यानी क्यों। इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो है हैंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, सिंस, सो, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसा पहला एग्जाम्पल देखिए, He was hands enabled to refute the charge. She was therefore fined. I therefore left the school. Consequently, she was sent to New York. He is absent because he missed the school bus. इन सभी sentences के अंदर जो hands, therefore, consequently एंड बिकॉज का यूज किया गया वो रीजन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी वर्ड फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडवर्ब इज ऑलवेज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां पर आपको एक पहचान बताई गई है, अगर किसी वर्ब के पीछे, अगर किसी वर्ड के पीछे ly लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है। जैसे स्लो, स्लोली, ग्लैड, ग्लैडली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। इसी प्रकार से वर्ड फॉर्म बाय एडिंग ly टू अ नाउन इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव, लेकिन अगर किसी नाउन के पीछे ly लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब नहीं होती, वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। आमतौर पर कई बार कक्षाओं के अंदर बताया जाता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके पीछे ly लग जाए वो सारे एडवर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर किसी नाउन के पीछे ly लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, ना कि एडवर्ब। इसी प्रकार से अगर किसी हम वर्ड एडजेक्टिव के पीछे ly लगाते हैं तब जाकर के वो एक एडवर्ब बनती है। अब यहां आपको नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कावर्ड, कावर्डली, माइजर, मिजरली, स्कॉलर, स्कॉलरली। तो ये जो कावर्ड, माइजर, स्कॉलर ये वर्ड हैं, ये नाउन हैं और इनके पीछे ly लगने के बाद ये एक एडजेक्टिव बन गए, ना कि एडवर्ब। समझ आया बच्चों? इसी प्रकार से जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल आपके सामने। एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क क्या है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब और एडजेक्टिव में यूज करते हैं, लेकिन ये समझ पाना कठिन होता है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। देखिए, अगर कोई वर्ड नाउन से पहले आता है, यानी नाउन के साथ आता है, नाउन के लिए आता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। लेकिन वही शब्द अगर वर्ब के लिए आता है, वर्ब के बाद आता है या वर्ब के साथ आता है, तो उस समय वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही रैन फास्ट। या फास्ट वर्ड रनिंग प्रोसेस के लिए आया है, यानी रैन के लिए आया है, तो ये एक एडवर्ब है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, ही इज अ फास्ट रनर। यहां फास्ट का यूज रनर के लिए यूज किया गया है। रनर एक नाउन है, तो फास्ट नाउन के साथ होने के कारण ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह दे वर्क हार्ड, यहां हार्ड वर्ड वर्क के लिए यूज किया गया, तो एक एडवर्ब बना। लेकिन ही इज अ हार्ड वर्कर, यहां हार्ड वर्ड वर्कर के लिए यूज किया गया, तो ये एक नाउन के साथ आया, तो एडजेक्टिव होगा। सिमिलरली ही वेक्स अप अर्ली, यहां अर्ली वेक्स के लिए यूज किया गया, तो एडवर्ब हुआ। ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, यहां अर्ली वर्ड फ्लाइट के लिए यूज हुआ, जो एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। डू नॉट टॉक लाउड, यहां लाउड वर्ड टॉक के लिए आया। लेकिन डू नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन, यहां लाउड वर्ड टोन के लिए आया। टोन एक नाउन है, इसलिए लाउड दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव है, जबकि पहले में एडवर्ब है। शी वेटेड लॉन्ग फॉर मी, इसमें लॉन्ग वर्ड वेट के लिए आया, तो ये एक एडवर्ब बना। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन इस वाक्य में लॉन्ग वर्ड जर्नी के लिए यूज हुआ, जर्नी एक नाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव बना। सिमिलरली शी हैज ओनली 2 रुपीज, ये जो ओनली वर्ड है ये हैज के लिए यूज हुआ, तो ये एडवर्ब बना। लेकिन शी इज द ओनली गर्ल इन द क्लास, अब ये गर्ल के साथ ओनली आया, तो ओनली एक एडजेक्टिव बन गया। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट देम। इफ द वर्ड इज यूज्ड विद एंड फॉर अ वर्ब देन इट इज एन एडवर्ब, बट इफ इट इज यूज्ड फॉर अ नाउन एंड विद अ नाउन देन इट इज एडजेक्टिव। नीचे देखिए आपके लिए कुछ बात लिखी हुई है। Most is an adjective, but almost is an adverb. Easy is an adjective, but easily is an adverb. Good is an adjective, but well is an adverb. ये difference याद रखना बच्चों, because it will help you in learning it better. Similarly, अब हम बात करेंगे कि वाक्यों के अंदर कौन सी एडवर्ब कहाँ पर यूज की जाती है। कोई एडवर्ब सब्जेक्ट के साथ आती है, कोई वर्ब के साथ आती है, कोई सेंटेंस के एंड में आती है, सबका अलग अलग अपना अपना रूल है। तो पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट वेयर द एडवर्ब शुड बी यूज्ड, and adverbs are used in a sentence according to its meaning and worth. If these are used in wrong position, the meaning and purpose of adverb is changed. यानी वाक्य के अंदर अगर एडवर्ब को सही जगह और सही रूप में ना लगाया जाए तो वाक्य का मीनिंग बदल जाता है और एडवर्ब का मीनिंग भी बदल जाता है, उसका पर्पज भी चेंज हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, ओनली शी कैन स्पीक, इसमें ओनली वर्ड यूज किया गया, तो इस वाक्य का मीनिंग बना मीन्स शी हैज अ राइट टू स्पीक, यानी केवल एकमात्र उसी लड़की को अधिकार है बोलने का। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, शी कैन ओनली स्पीक, इसमें जो ओनली वर्ड है वो स्पीक के साथ है, यानी मीन्स शी कैन स्पीक ओनली, शी कैन नॉट राइट, यानी उसे केवल बोलना आता है, लिखना नहीं आता है। तो इसी तरह से ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में ध्यान रखना है। एडवर्ब इज नॉर्मली यूज बिफोर एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, Someone dances very well. It is very cold today. यहाँ जो वेरी वर्ड यूज हुआ वो आपके एडजेक्टिव्स के साथ यूज हुआ. एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब यूज की जाती है. अब सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि आपको याद होना चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है. ऐसी वर्ब जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ना हो वो वर्ब कहलाती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब. यानी जो अपना मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के जस्टिफाई करने में सक्षम है. ऑल दोज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल देखिए, राहुल स्पोक लाउडली, बेबी स्लेप्ट साउंडली. अब यहाँ स्लेप्ट और स्पोक वर्ड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी तो उसके तुरंत बाद एडवर्ब का यूज किया गया. एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब यानी एन ऑब्जेक्ट. एक ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो अगर एडवर्ब यूज करनी हो तो वो उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है, उससे पहले यूज नहीं की जाती. जैसे आई डिड माई ड्यूटी केयरफुली. यहां केयरफुली का यूज माई ड्यूटी के बाद किया गया जो ऑब्जेक्ट है. शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली. यहां बोल्डली का इस्तेमाल हर एनिमी के बाद किया गया जो एक ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली एडवर्ब इज यूज्ड बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब. कई बार ऐसा होता है कि हम एडवर्ब को मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में यूज करते हैं. जैसे ही इज हाईली ऑनर्ड. या हाईली को इज और ऑनर्ड के बीच यूज किया गया. आई हैव ऑफन टोल्ड यू अबाउट दिस. यहां ऑफन को हैव और टोल्ड के बीच यूज किया गया. दोनों वाक्यों में इज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. एडवर्ब इज यूज्ड बिटवीन टू ऑक्सिलरीज. एडवर्ब को अगर हमारे पास ऑक्सिलरी दो वर्ड से मिलकर बनी है तो उसके बीच में यूज किया जाता है. जैसे ही विल ऑलवेज बी हैप्पी. I shall never be obliged to you. Always और ever का इस्तेमाल will be और shall be के बीच में किया गया, यानी दो ऑक्सिलरीज के बीच में किया गया. अब एडवर्ब को यूज करने के रूल्स क्या क्या हैं बच्चों, कौन से एडवर्ब कहां पर यूज की जाती है उसके बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं हम. जरा सुनिए. एडवर्ब ऑफ मैनर सच एज स्लोली, क्विकली, hard, fast, carefully, beautifully, easily, calmly, etc. ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, राइट, एंड इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन. यानी वाक्य के अंदर इनको मेन वर्ब के बाद यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो. दूसरा रूल है एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, सून, एटसेट्रा. ये सभी वर्ड आपके टाइम की एडवर्ब है. इज यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट. इन वर्ड्स को अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो वर्ब के बाद यूज किया जाता है. जैसे ही विल कम टुमारो, शी डाइड लास्ट नाइट. इन दोनों ही वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था तो कम के बाद टुमारो और डाइड के बाद लास्ट नाइट का यूज किया गया. बट इन द नेक्स्ट कमिंग सेंटेंस He met me yesterday. यहां me ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो me के बाद yesterday आया. एंड दे आर कमिंग सोन, इसमें वर्ब के बाद एडवर्ब को यूज किया गया. रूल 3 क्या कहता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि here, there, inside, outside, near, away. ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, वही है. अगर ये वर्ड गिवन है इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे दे लिव हेयर, आई सॉ हिम देयर, शी वॉज सिटिंग आउटसाइड, देयर आर बुक्स एवरीवेयर। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं था तो लिव के बाद हेयर का यूज किया गया, दूसरों में ऑब्जेक्ट हिम गिवन है तो हिम के बाद देयर यूज किया गया, और तीसरे में ऑब्जेक्ट नहीं था तो सिटिंग के बाद आउटसाइड यूज किया गया, लेकिन चौथे में बुक्स एज एन ऑब्जेक्ट गिवन है इसलिए एवरीवेयर उसके बाद यूज किया गया। रूल नंबर 4 कहता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली एक्सेट्रा इज यूज बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब। यानी मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी गिवन है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके बाद इनका यूज किया जाता है। जैसे पहले वाक्य में शी सेल्डम कम्स लेट। अब इस वाक्य के अंदर ऑक्सिलरी गिवन नहीं है तो इसे तुरंत सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया, शी सेल्डम। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ऑलवेज का यूज मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद किया गया। वी नेवर ड्रिंक वाइन, He often gets late for office। कहने का अर्थ बच्चों ये कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज की जाती है, मेन वर्ब से पहले। इसी प्रकार से रूल नंबर 5 क्या कहता है, एडवर्ब इनफ इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज एंड एडवर्ब ओनली and even are used before the word these modify। यानी enough word का यूज उसके बाद किया जाएगा जिसको ये मीनिंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन only और even का प्रयोग उस वर्ड से पहले यूज किया जाएगा जिसको ये मॉडिफाई करता है। जैसे the building is large enough for the guest house, यहां large के लिए enough word है तो इसके बाद आया। पंकज वॉज फुलिश इनफ टू ऑफेंड यू, फुलिश वर्ड के बाद इनफ यूज किया गया। सुनील इज क्लेवर इनफ टू सी थ्रू द गेम, क्लेवर के लिए इनफ था तो इसके बाद यूज किया गया। लेकिन अब आगे देखिए, आई कैन नॉट इवन राइट, मुझे लिखना भी नहीं आता, तो राइट के लिए इवन यूज हुआ तो ये इससे पहले आया। आई ओनली वर्क टू सम्स, मैंने केवल 2 सवाल निकाले, यानी मेरा काम ओनली वर्क से पहले यूज हुआ। एंड ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, उसने सिर्फ मुझे 5 रुपए दिए, किसी और को नहीं दिए। तो ओनली और इवन को जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करते हैं उससे पहले यूज करना है, और इनफ को जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद यूज करना है। इसी प्रकार से 6 देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस इन एन ऑर्डर ऑफ MPT। अगर किसी एक वाक्य में मैनर, टाइम और प्लेस की 3 एडवर्ब या 2 एडवर्ब एक साथ लगनी आ जाएं तो सबसे पहले मैनर वाली एडवर्ब आएगी, उसके बाद प्लेस वाली, उसके बाद टाइम वाली यूज की जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, He spoke loudly at the meeting yesterday। इसमें लाउडली क्या है, मैनर, एट द मीटिंग क्या है, प्लेस, yesterday क्या है, टाइम। यानी 3 एडवर्ब को मैनर, प्लेस और टाइम के क्रम में, सीक्वेंस में अरेंज किया गया। He is crying loudly in the ground now। यहाँ लाउडली मैनर है, इन द ग्राउंड प्लेस है, और now टाइम को रेफरेंस कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर 3 एडवर्ब एक साथ यूज करनी आ जाए तो हम इन्हें MPT के पैटर्न में यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम 3 या कोई 2 एक साथ यूज करनी आ जाए किसी वाक्य में, तो उस समय इनका क्रम रहेगा PFT। यानी पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएं, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएं, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएं। जैसे ही कम्स हेयर 2 times इन अ वीक, यहाँ हेयर प्लेस एडवर्ब है, 2 times फ्रीक्वेंसी है, इन अ वीक टाइम है। वी इंजॉयड मील्स हेयर थ्राइस अ डे, यहाँ पर हेयर प्लेस एडवर्ब है, थ्राइस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है और डे टाइम। इसी तरह दे ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, यहाँ पर केवल 2 एडवर्ब है, ट्वाइस अ डे यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम। ही मेट अस हेयर एवरी वीक, इसमें भी 2 एडवर्ब है, हेयर प्लेस की और एवरी वीक टाइम की, यानी प्लेस फ्रीक्वेंसी और टाइम की एडवर्ब अगर किसी वाक्य में तीनों एक साथ या कोई 2 एक साथ लगाने आ जाएं तो उन्हें PFT के सीक्वेंस में यूज किया जाएगा। समझ आया बच्चों? वेरी गुड। एडवर्ब इज यूज बिफोर द एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज इट मॉडिफाइज। आमतौर पर एडवर्ब को उस एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज से पहले यूज किया जाता है जिसके लिए इसे यूज किया जा रहा है। जैसे हिज स्पीच वॉज वेरी फनी, और फनी से पहले वेरी यूज किया गया। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अब वेरी को इंटेलिजेंट से पहले यूज किया गया। एडवर्ब इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इफ इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस। अगर कोई एडवर्ब पूरे वाक्य को मीनिंग में हेल्प दे रही है, उसे मॉडिफाई कर रही है, तो उस एडवर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया जाता है। जैसे सर्टनली ही विल मीट अस हियर, लकीली none was hurt in the accident, always help the poor। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ढेर सारी एडवर्ब्स के बारे में जानकारी ली। अब हम कुछ वाक्य करेंगे जो एडवर्ब्स की एरर निकालने में आते हैं। जरा देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, 5 वाक्य हैं, 5 इसके बाद आएंगे। पहले वाक्य में देखिए जरा क्या एरर है। He is very senior to me, so I cannot defy his orders। इस सेंटेंस में बच्चों पहले भाग में एरर है, क्योंकि जब सीनियर कोई वर्ड है, सीनियर है, जूनियर है, ये सीनियर और जूनियर ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, इसमें कोई वेरी सीनियर या लेस सीनियर नहीं होता, तो फर्स्ट पार्ट में वेरी शब्द नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस, You are almost quite competent for the post, so if given a chance, you can show the results। इस वाक्य में फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको 2 एडवर्ब एक साथ दे रखी है, ऑलमोस्ट एंड क्वाइट, इनमें से किसी एक का यूज किया जाए, यानी क्वाइट को यूज किया जाए, ऑलमोस्ट को हटा दिया जाए, तो ये सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। थर्ड, He hardly ever sees her because in his opinion she is a reliable woman। इसके पहले भाग में देखिए बच्चों hardly and ever 2 एडवर्ब एक साथ आई है, तो इसमें hardly को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्य में एक स्थान पर एक एडवर्ब यूज की जा सकती है। सिमिलरली फोर्थ में, Although she only earns 800 rupees, yet she manages her family well। इस वर्ड के अंदर बच्चों जो ओनली वर्ड है ये प्रॉपर प्लेस पर यूज नहीं किया गया है। इस वर्ड को अगर हम अर्न्स के बाद लगाते तो मीनिंग क्लियर बन जाता, तो ये ओनली वर्ड अर्न्स के बाद आना चाहिए, यानी इसकी एरर पार्ट ए में है। 5वां, यू डू नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो यू आर लीडिंग अ लोनली लाइफ। इस सेंटेंस में बच्चों एक वर्ड मिसिंग है, अगर वो वर्ड इसमें लगा दे तो ये सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा, और वो वर्ड पार्ट ए में है, यू डू नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, यानी पार्ट ए में हाउ वर्ड लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, तो एरर ए पार्ट में है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी रैन सो फास्टली that she reached the destination in just 5 minutes। अब इसके अंदर so fastly वर्ड के अंदर एरर है, या तो so fast लगाएं ताकि ये एरर करेक्ट हो सके। सेवेंथ में when he lived in Canada it was natural for him to speak a lot of English। अब इस सेंटेंस में बच्चों जरा सी पार्ट में देखें, इंग्लिश बोलना होता है तो लॉट ऑफ इंग्लिश कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए यहां अ लॉट ऑफ में प्रॉब्लम है तो पार्ट सी में एरर है। 4 drunks were singing loud near the police station and a policeman was following them। इसके ए सेक्शन में 4 शराबी जोर जोर से गा रहे हैं, तो यहां लाउडली वर्ड आना चाहिए, लाउड गलत है तो ए पार्ट में एरर है। सिमिलरली अंडर नो सर्कमस्टांसेज वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट सेड द चेयरमैन। इसमें बच्चों अंडर नो सर्कमस्टांसेज के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए सेक्शन ए में एरर है। सिमिलरली राम वेंट टू शिमला इन 2000 एंड लिव्ड देयर इवन देन। इसकी सी पार्ट में बच्चों इवन की बजाय अगर हम किसी और वर्ड का यानी सिंस देन का यूज करें तो हमें सेंटेंस में करेक्टनेस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें एरर सी भाग में है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी अपडेट नई नई प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक नई चीज आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, हैव अ गुड डे।